नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। विश्व भर में हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। ये दिवस एनजीओ के महत्व को समझाने और विश्व भर के एनजीओ में काम करने वाले उन लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य मनाया जाता है जो लोगों को और जीवों के हित के लिए कार्यरत है। पहली बार इस दिन को 27 फरवरी 2014 को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया गया था। एक रिपोर्ट देखिए। आज विश्व एनजीओ दिवस है। हर साल ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 27 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एनजीओ के प्रति जागरूक करना और एनजीओ में कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना होता है। भारत में भी एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन कार्यरत है। इस संगठन से जुड़े लोग जरूरतमंदों और जीवों की मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़कर एनजीओ के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा कर लोगों की मदद करते हैं। आइए विश्व एनजीओ दिवस के इतिहास और महत्व को जानते हैं। 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश मानवतावादी मार्कस लियोर्ड स्कॉटमेनिस ने पेश किया था। इसे बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम द्वारा मान्यता दी गई थी। ये मान्यता 17 अप्रैल 2010 को मिली थी। इसके बाद 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। इसमें बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम के सदस्य शामिल थे। समय के साथ ही इस फोरम से अन्य देश भी जुड़ते गए और आज दुनिया भर में एनजीओ दिवस मनाया जाता है। साथ ही हाथ बढ़ाना इस मकसद से एनजीओ से जुड़े लोग दिन रात मेहनत कर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसके लिए वे कोई शुल्क नहीं लेते, हालांकि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता जरूर दी जाती है। भारत में एनजीओ का विशेष महत्व है। भारत में गैर सरकारी संगठन दूर इलाके में बच्चों की पढ़ाई, पालन पोषण, इन सब चीजों के लिए कार्यरत है। ऐसा माना जाता है कि जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां गैर सरकारी संगठन के जरिए सरकार पहुंचने की कोशिश करती है। सरकार एनजीओ को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर सम्मानित भी करती है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।